अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? कि आज हमारा जो पूरा व्लॉग है वो कुकिंग का है। आज हम बनाने वाले हैं मैक्रोनीज, ठीक है, और वो भी मेरे हाथ की। मैक्रोनी रेडी हो गई है, अब खाने का वक्त है। मेरा रोज़ा था तो इसलिए उस वक्त पे हमने खाई नहीं, अब खाएंगे। इफ्तारी हो गई है, केक भी कटेगा। भाई क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? आज हम लोगों का प्लान हो गया है भाई कुछ अलग करने का। आज कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। आज हमारा जो पूरा व्लॉग है वो कुकिंग का है। आज हम बनाने वाले हैं मैक्रोनीज, ठीक है, और वो भी मेरे हाथ की। तो मैक्रोनी बनाते हैं, देखते हैं क्या सीन है, कैसी बनी है। सामान दिखा रहा हूं मैं आपको। मैक्रोनी को जो है वो बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया है। मैक्रोनी बॉयल हो रही है, अब चिकन बॉयल होने के लिए रखेंगे। आग जला दी गई है चूल्हे पे। भाई अब जो चिकन है, चिकन को भी बॉयल होने के लिए रखना है। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये चिकन है, इसको मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको बॉयल होने के लिए रखना है और ये इस बर्तन में बॉयल होगी। पानी डाल रहा हूँ मैं समझता हूँ चिकन को बॉयल करने के लिए इतना पानी काफी है, ठीक है। ये मैंने सीखा था किसी से, अब मैं बना रहा हूँ, देखते हैं कैसी बनती है। और ये मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो सारी सेटिंग प्लानिंग हो रही है, ये राशिद भाई की ही बर्थडे है और ये अपनी बर्थडे पे खुद कुकिंग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, हमने सरप्राइज देने का सोचा था पर ये हमारे सरप्राइज प्लान जब हम कर रहे थे तो ये आ गए थे रूम में, तो इन्हें पता लग गया। तो अब ये खुद कुकिंग कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कि कैसा बनेगा। दरअसल सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं कमरे में आ गया था, जैसे मैं कमरे में आया तो मुझसे इन्होंने कहा कि भाई 500 रुपये आप भी दो। तो तब मैंने इनसे कहा कि मुझसे पैसे लेना तो बनते नहीं है भाई, मेरा तो आज बर्थडे है। अब हमें पता नहीं था कि इनके दिमाग में ये बात है कि इनकी बर्थडे है। हम सोच रहे थे कि वैसे ही 500 रुपये भी आ जाएंगे और इनका सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, पर इन्हें पता लग गया। बहरहाल अभी हम लोग मैक्रोनी बना रहे हैं भाई। मैक्रोनी बॉयल हो रही है, चिकन बॉयल हो रही है, ठीक है, बाकी चीजें कट चुकी है। आगे चलते हैं। तकरीबन ये बॉयल हो चुकी है दोनों चीजें, अब इनको उतारेंगे और बाकी का काम शुरू करेंगे। मैक्रोनी जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है बॉयल, ठीक है। ये आपके सामने है, माशा अल्लाह से नजर कोई नहीं लगाएगा भाई, ठीक है, माशाल्लाह सबने बोलना है। चल भाई, ये हो गया है, अपने ऑयल इसमें डाल दिया है, अब हम ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो भाई ऑयल वगैरह सारे लवाजमात इसमें आ गए हैं, ठीक है। अब हम इसको पका रहे हैं, इसको ब्राउन कर रहे हैं ज़रा, इन तमाम चीज़ों को। मुझे तो ऐसे ही बनाना आता है भाई, अगर इसमें कोई गलती कर रहा हूँ तो मुझे बताइएगा, जिसको भी पता है। चिकन भी तकरीबन तैयार हो गई है, ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे इसमें। चल गई है भाई, ठीक है, लाइट हमारी चली गई है। कराची में आपको पता है लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चल चल ऊपर ना, अब इस पर हम मसाला करेंगे। चल ये मसाला है, चल अब पता नहीं मसाला कम होगा या ज्यादा होगा, चेक करते हैं इसको मिक्स करने के बाद। दुआ करता हूँ कि मसाला सही हो, ठीक है, और कमी ना हो मसाले की, और मुझे लग रहा है ये मसाला कम है। भाई मैक्रोनी रेडी हो गई है, अब खाने का वक्त है। मेरा रोज़ा था तो इसलिए उस वक्त पे हमने खाई नहीं, अब खाएंगे। इफ्तारी हो गई है, केक भी कटेगा। बहुत मज़े की है भाई, बहुत ज़बरदस्त बनी है। चलो अब केक काटते हैं।
ये था आज का व्लॉग, बर्थडे व्लॉग। बहुत ही मजा आया, कुकिंग की, केक खाया, बहुत ही बढ़िया और मजे का केक था। मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को, बस कट करते हुए दिखाया, बाकी केक वाकई मजे का था, डिलीशियस था, मजा आ गया। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ लगा बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आपको हमारी हर वीडियो पर वक्त मिलती रहे। भाई इसके बाद आप लोगों को कौन सी कढ़ाई, बीफ टिक्का, बीफ टिक्का कढ़ाई की रेसिपी भी बताएंगे, वो भी यही बनने वाली है, ठीक है। तो वो एक और शख्स है, एक और कुक है, एक और शेफ है, वो बनाएगा। मैं, ये मेरा काम इस वक्त का था, और वैसे भी बर्थडे वाले दिन किसी से काम लिया जाता है तो बहुत ही दुख की बात है। खैर कोई बात नहीं, जमहूरियत है तो सब बराबर है।